हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस पेरेंट्स अबाउट, दिस इज शुभी त्रिनाथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, गुड अटेम्प्ट की और पेपर का लेवल क्या था इसके बारे में। तो शुरू करते हैं पेपर के लेवल से। तो अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, जो कि आज के पेपर का सबसे टफ सब्जेक्ट था, क्योंकि रीजनिंग ऐसी आई थी कि ज़्यादातर लोग तो 10 पे ही रह गए, और अगर आपने 15 प्लस किया है या 20 प्लस किया है तो आप एक्सीलेंट में चले जाते हो, ऐसा लेवल था पेपर का। मतलब रीजनिंग के लेवल की बात करें तो वो मॉडरेट टू टफ था, कि अगर आपने 10 से 12 भी किया है तो आपने बहुत सही अटेम्प्ट किया है। और जहाँ तक सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग की जो लग रही है वो 10 के अंदर ही रहेगी या मैक्स टू मैक्स 10 जाएगी, 10 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ऐसा लेवल रीजनिंग का आया था। ठीक है, तो रीजनिंग में जो गुड अटेम्प्ट रहा है वो आपका 12 से 15 अगर आपने किया है आप गुड में हो, अबव 15 हो तो आप वेरी गुड में हो, अबव 20 हो तो आप एक्सीलेंट में हो, तब तो आपका कोई जवाब नहीं है। ये लेवल था रीजनिंग का। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स डुएबल थी, मतलब अर्थमैटिक के क्वेश्चंस थे, अप्रोक्सीमेशंस थे, डीआई थी। पेपर कुछ ऐसा था कि अगर आप अर्थमैटिक से डरते हैं, आप अर्थमैटिक छोड़ भी देते, आप केवल डीआई अटेम्प्ट करते, तब भी आपका 29-30 क्वेश्चन तो आराम से आप कर लेते। ठीक है, डीआई में बुलेट से रिलेटेड थी, पाई डबल पाई चार्ट की डीआई थी, ये सारी डीआई आई थी अर्थमैटिक के क्वेश्चन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोग कह रहे हैं कि आया था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया था जैसा पढ़ के आप जाते हो। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला भी नहीं आया था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आया था उसमें वैल्यूज चेंज करके कुछ अलग तरह का क्वेश्चन फॉर्म करके दिया था, तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते कि वैसा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था जो आप 5 में से 5 ही करके आते हो हमेशा। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। मैथ्स में अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैथ्स में अगर आप ऑन एवरेज स्टूडेंट हो तब भी आपका 20 प्लस अटेम्प्ट आराम से रहा होगा, 25 आपका चला ही गया होगा आराम से। तो 20-25 अगर आप मैथ्स में करते हो तो आपका गुड अटेम्प्ट है। अगली जो बात करेंगे हम इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश ऐसा आया था जो देखने में इजी था, लेकिन जब उसे करो, अटेम्प्ट करो, तब पता चल रहा था कि थोड़ा सा पैटर्न जो है उसमें चेंजमेंट लाया गया था, पैटर्न में चेंजेस थे, और बट देखने में इंग्लिश इजी थी। पैसेज ठीक था, सैटेलाइट और एक AI पे बेस्ड पैसेज आया था। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू टफ हम कह सकते हैं, इजी नहीं कहेंगे लेकिन हम मॉडरेट टू टफ कहते हैं, और 20 प्लस अगर अटेम्प्ट इंग्लिश में तो वो आपका गुड अटेम्प्ट में आता है। अब आपका आता है जीए सेक्शन, जो हमेशा विवादित सेक्शन रहता है हर एग्जाम में, लेकिन भाई देखो इस बार आप शिकायत नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आए करंट अफेयर के वो लास्ट 3-4 मंथ से ही आए हैं। आपका जो रिसेंट मंथ है, बजट से भी क्वेश्चन आया था, सरफेसी एक्ट वगैरह से, तो रिसेंट मंथ से क्वेश्चन आए हैं, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब आप करेंट अफेयर के लिए शिकायत नहीं कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन जैसे कि बहुत ही आम क्वेश्चंस नहीं आए कि बहुत अपॉइंटमेंट पूछ ले या स्पोर्ट, लेकिन हाँ क्वेश्चंस जो भी थे वो रिसेंट मंथ से थे। तो जहाँ तक बात है कि अगर मैं बात करूँ जीए की, तो ज़्यादातर लोग जो बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे उनके सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट जीए में ही है, और जीए में अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूँ तो लोग 40-40 कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन अब लोग की बात करें तो लोग तो 200 में से 200 भी करके आते हैं। हम बात करेंगे एवरेज स्टूडेंट की, तो एवरेज स्टूडेंट ने जो किया है तो 25 के आसपास सबके अटेम्प्ट रहे हैं आपके जीए में, तो 25 के आसपास अगर आपने किया है तो वो आपका गुड अटेम्प्ट में आता है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट्स रहे हैं जिनका हमने सेक्शनल आपको बता दिया क्या कैसा आया था, चाहे वो आपका इंग्लिश रहे, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो जीए हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओवरऑल की। तो आपको क्या एक बात पता है कि जो कट ऑफ आती है मेंस की फाइनल, वो आउट ऑफ 100 आती है। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, अब आप जान लो कि जो फाइनल कट ऑफ बनती है मेंस की आईबीपीएस क्लर्क की वो आउट ऑफ 100 बनती है, आउट ऑफ 200 नहीं। अगर लास्ट ईयर जो जनरल की कट ऑफ थी दैट वाज 43 पॉइंट समथिंग, तो वो आउट ऑफ 200 नहीं थी, वो आउट ऑफ 100 थी। जो आईबीपीएस क्लर्क की फाइनल कट ऑफ बनती है वो आउट ऑफ 100 बनती है। अब अगर आपके 95 प्लस अटेम्प्ट हुए हैं इस पेपर में आज, तो आप सेफ हो, आप बिल्कुल सेफ उस पे हो, आप चिंता मत करो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपको 95 नंबर कट ऑफ जाएगी। देखो अगर आपके 95 अटेम्प्ट हैं, ठीक है, या फिर ऐसे बात करें कि अगर आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 90 हैं, ठीक है, और कट ऑफ तब कितनी जाएगी कि आप सेलेक्टेड हो,
ठीक है, अगर 90 आपके नंबर हैं, ठीक है, और कट ऑफ 50 चली गई तो आप सिलेक्टेड नहीं हो। क्यों, कैसे ऐड होती है कट ऑफ? अगर 200 में से कट ऑफ जो है, ठीक है, अगर 200 में से कट ऑफ 120 गई है, तो मतलब जो फाइनल कट ऑफ आपके सामने आ रही है जिसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा वो है 60 नंबर, ठीक है, 60 नंबर, समझ रहे हो। अगर 200 में से 120 है तो आउट ऑफ 100 वो 60 नंबर है, ठीक है, तो आपका जो देखा जाता है वो आउट ऑफ 100 देखा जाता है। अब मान लो आपके मार्क्स आए 100 आए, ठीक है, अब आपके 100 आए मार्क्स और कट ऑफ गई थी 120, तो 120 मतलब 60 नंबर कट ऑफ गई थी एंड योर मार्क्स इज 50 ओनली, देन यू आर नॉट सिलेक्टेड। आई होप आप समझ गए होंगे, आउट ऑफ 100 कट ऑफ जाती है, तो इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आउट ऑफ 100 दैट इज 45 प्लस माइनस 3, यस, बिकॉज रीजनिंग वॉज रियली टफ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि 45 प्लस माइनस 3 जो है वो इस बार कट ऑफ आपकी रह सकती है, मतलब वो 43, 42 भी जा सकती है या फिर 47, 48 या 45 भी जा सकती है। तो 45 प्लस माइनस 3 आउट ऑफ 100 मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी कट ऑफ रह सकती है इस साल की जनरल की। बाकी जो कॉरिडोर रहता है मतलब इनके बीच का जो गैप रहता है उसके हिसाब से बाकी कैटेगरी वाले भी अपना अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप 95 टू 100 आपके अटेम्प्ट हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, उससे ज़्यादा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि उन लोगों की, जैसे कि IBPS PO मेंस का जो मैंने कट ऑफ बताया था वो मैच नहीं हुआ था, ठीक है, मैंने 75 बताया था लेकिन 83 कट ऑफ गई थी, राइट, तो वहां पे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैम आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया। द सैड पार्ट इज दैट, मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट द सैड पार्ट इज दैट कि SBI PO चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स जो यही पेपर है, RRB PO मेंस, RRB PO प्रीलिम्स, RRB क्लर्क मेंस, RRB क्लर्क प्रीलिम्स, ये जो पेपर में मैंने प्रेडिक्शन किया जो सही गए वहाँ पे एक भी कमेंट देखने को नहीं मिले कि मैम आपने सही बताया, लेकिन जहाँ गलत हुआ, एक गलत हुआ उसमें सब बता गए। तो आई एम जस्ट सेइंग कि देखो प्रेडिक्शन करना मानो कि मतलब ये इनबिल्ट वो है, सॉफ्टवेयर है, जब आप सबसे पहले प्रेडिक्शन तो आप ही लोग करते हो, आप एग्जाम हॉल से निकलते हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो प्रेडिक्शन सब करते हैं, ठीक है, तो हम भी प्रेडिक्शन करते हैं, हम ये नहीं कहते कि यही होगा, हम कहते हैं कि जो पेपर के आधार पे जो एनालिसिस हुई है, जो लोगों ने बताया है उसके हिसाब से लगता है कि ये होगा, जिससे आपका माइंडसेट बन सके कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है, ना तो किसी का मोरल डाउन करने का यहाँ पे पर्पस रहता है और ना ही किसी को डिमोटिवेट करने का रहता है। तो एक गलत हुआ देन एवरीबडी स्टार्टेड यू नो अटैकिंग मी, और जब इतने सारे सही होते हैं सो कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं आता, दैट्स द सैड पार्ट, अदरवाइज लिव दैट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड दैट इज SBI क्लर्क। SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन अप्रैल में आ जाएगा, मार्च में लास्ट ईयर की वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी और फिर आपका अप्रैल में SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और अब ये पेपर हो गया, अब इसमें तो इंटरव्यू भी नहीं है, तो इसके बारे में सोचना एकदम छोड़ दो, 1 अप्रैल को रिजल्ट आएगा इसका, 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है, ठीक है, इसके बारे में आप सोचना बस इसी वक्त से छोड़ दो, अपना अगले पेपर की तैयारी करो, अगले साल के पेपर की तैयारी करो, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, कमेंट करिएगा, अपने अटेम्प्ट बताइएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स अ लॉट।